सो गाइस, तुम लोगों को पीछे कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? दिखाती हूँ। स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मैं आगे का दिखाती हूँ तुम लोगों को। ये है शनिवार वाड़ा, लटपट ओके। सो जहाँ पे पेशवास रहते थे वहाँ पे आ गई हूँ मैं। ओके पहले तो ये दिखाती हूँ तुम लोगों को आजू बाजू का, एंड देन आई शो यू द एंट्रेंस ऑफ शनिवार वाड़ा। मतलब मारने के लिए बनाया है, देखो ना दरवाजा, प्रोटेक्ट। वाओ, हाँ शनिवार वाड़ा पेशवास लोग का था। गाइज ऊपर जाने मिलता है, यस। मैंने उधर एक आदमी को देखा, जा सकते हैं मतलब। सो गाइज यहाँ पे अंदर जाने के लिए यू हैव टू पे 20 रुपीज़, ये स्कैन करना है एंड देन 20 रुपीज़ दे के यू हैव टू गो इनसाइड। देखो कैनन है यहाँ पे, सब्सक्राइब नहीं करूँगे तो उड़ा डालूंगी। और देखो इन लोगों ने आर्ट बनाया था, देखो गणपति का हल्का हल्का दिख रहा है। हाँ बराबर देख रहे हो गाइज, बप्पा है, नाग है, देखो ये विष्णु है, ये देखो सोए है, है ना। चलो अभी जाते हैं, बहुत बड़ा है ना। चलो ये सब नकली है कि ये सब भी असली है? असली है ये, क्या बात कर रहा हूँ, टच कर सकते हैं? अरे बाप रे। हाँ गाइज देखो, मैंने बोला ना अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इधर बैठाऊंगी तुम लोग को और उड़ा डालूंगी। यहाँ से भी है, ऊपर भी जाना होता है। ओके देखो यहाँ से ऊपर जा सकते हो। ये पेशवा लोग कुछ ज्यादा ही लग्जरी लाइफ जीते थे, है ना। एंड देन यहाँ से चढ़ के जाने ही, और यहाँ पर क्या है, अरे गार्डन ही गार्डन है। इन लोग रहते नहीं थे क्या यहाँ पे? इधर ही रहते थे लोग। किधर रहते थे? इधर ही, किधर ना किधर, इसमें थोड़ी रहते थे, इसमें नहीं रहते थे। ये तो कुछ मेरे को बोलते ना, वो लुकआउट टाइप से रहता है ना, बाहर खड़े रह के देखने का, कोई आना नहीं चाहिए। अपने को क्या करने का? आई थिंक इधर उन लोग घूमने, नहीं स्टोरी तो बनाना पड़ता है ना क्रोनोस। आई थिंक इन लोग यहाँ पे घूमने आते होंगे वाइफ को लेके। ये पेशवा का महल था। हाँ ये पेशवा का महल था, पेशवा इधर ही रहता था। अच्छा आई थिंक अभी लास्ट अपने को जो मालूम है पेशवा के नाम पे, वो है बाजीराव पेशवा, तो ये उनका ही महल था। एंड वो जो आगे देखने देखने का था, वो तो ऑफकोर्स उनका देखने का काम रहता था। नहीं मुझे लगता है यहाँ पे उन वाइफ और हस्बैंड दोनों आते थे। देखो ना जगह, देखो ना, या तो इन लोग ने ये बनाया होगा पहले, कुछ और था होगा मे बी। नहीं फाउंटेन तो है ना, एक क्या इधर फाउंटेन है देखो। तो मैं बोलती हूँ उन लोग का टाइम स्पेंड करना रहता था तो आते थे होंगे। अरे अकेले जा रहे हैं मुझे छोड़ के। सब तुम लोग पत्थर देख रहे हो, सब पुराने पुराने, मतलब सोचो तभी के ज़माने में क्या पत्थर रहता था कि इतना स्ट्रॉन्ग है अभी तक। और अभी के बिल्डिंग और कॉन्क्रीट वाले रास्ते इतने जल्दी टूट जाते हैं हमारे मुंबई में। देख रहे हो मस्त है ना जगह। देखो वहाँ पे भी और एक पॉन्ड, ये है पॉन्ड बोल रहे हो, फाउंटेन है देखो, मैं बोला ना इधर लिखा है। ये देखो शिवाजी और शिवाजी जी के पापा का जगह था, ऑफिस था, डिस्कशन करने आने के लिए। बारिश आ रहा है, मस्त लग रहा है ऐसे खड़े रहने को। यहाँ पर आई थिंक कुछ सभा टाइप्स होता था होगा, पता नहीं क्या है, सीट है वहाँ पे बैठने के लिए। और ये देखो दिखाती हूँ, रुको, ये देखो यहाँ पर मैं बोलूँ क्या होता था यहाँ पर, टकला आपका यहाँ पे नहीं बोल रहे, वो आगे मैं बोलती हूँ, इधर लोग का डिस्कशन होता था, ऑफिस वाली बातें करते थे, और फिर यहाँ पर खाना पीना, टकला आपका खाना पीना यहाँ पे होता था, और फिर सब ऐसे बोलते ना आराम से सब मजे करते थे। देखो इधर मैं बोलती हूँ उन लोग यहाँ पे नहाते थे, हो गए मजे वाले, टकला आपका मजे वाली लाइफ थी यार। सॉरी आई डिडंट मीन एनी हार्म। हाँ वो मस्ती कर रहे हैं, मस्ती करते रहता हूँ ऐसे, बट ठीक है। हाँ अगर किसी की भावनाओं पर थोड़ा हर्ट हुआ है तो ही सॉरी, माफ़ कर दे, क्योंकि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का। मेरी कभी हर्ट ना दुखा, हर्ट ना दुखा, बट सीरियसली शिवाजी ने बिल्ड किए थे, मैसूर पैलेस एज वेल, जो कृष्णदेवराय वडियर ने बिल्ड किया था, लाइक इनसेन। ऐसी कलाकारी को तो हम लोग बोलते ना सोच भी नहीं सकते आज के जमाने में कोई ऐसा बना सकता था। ये राजा वैसे वैसी सारी चीजें बनवाते थे तभी। ये देखो ना ये पत्थर अभी तक ऐसा है, आजकल के जमाने का आजकल की बिल्डिंग का लाइफ क्या है? कुछ नहीं, 50-60-100 साल ज्यादा से ज्यादा। ये तो भाई कितने साल हो गए इसको, 600-800-900 हजार, हु नोस,
मतलब जो लिटरली डोर्स है, डोर्स के जो वुड है जो उन्होंने यूज किया वो अभी तक वैसे के वैसे, जो उन लोगों ने लोखंड के स्पाइक्स यूज किए वो सारे वैसे कैसे, मतलब सोच भी नहीं सकता आजकल के जमाने में तो ये क्वालिटी नहीं सोच सकते हम लोग। चलो अभी है ना वहाँ पे जाते हैं, देखो यहाँ से रास्ता है तो वहाँ पे ऊपर जाना है तो ऊपर जाके देखते हैं हम लोग। चलो 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 गाइस हम लोग आ गए हैं, देखो एंट्रेंस है ऊपर जाने के लिए एंड सीढ़ी है, सीढ़ी ओ माय गॉड सीढ़ी देखो लाइक ये सब पहले के जमाने के अभी तक। छोड़ो छोड़ो एंड देखो द क्वालिटी ऑफ वुड, वुड इटसेल्फ इतना ज्यादा हैवी है। हां चलो चढ़ते अभी। और सीढ़ियां बहुत बड़ी है। हाँ ना अयो सीढ़ी देख रहे हो तुम लोग कितना ऊपर ऊपर है गाइस। इतना तो फिक्स है कि पहले के ज़माने में सब बहुत लंबे लंबे रहते थे, इतना बड़ा बड़ा सीढ़ी बनाए इसलिए है ना क्योंकि सब लंबे थे, हम तो अभी छोटे छोटे हैं। ये देखो हम लोग ऊपर आ गए एंड यहाँ से छोटे छोटे जगह देख रहे हो एंड देन ओके वहाँ पे टूर गाइड है। ओह वाओ ओह नाइस देख रहे हो मैं ऊपर हूँ, ऊपर से ही सब दिखता है। बीच में आते हो बीच में तो ना ऊपर का वुड सब वो तो ठीक है। एक चीज पूछना चाहूंगा कि मॉन्यूमेंट इतना ज्यादा बेस्ट बनाया हुआ है, ये सब चीजें देख सकते हैं बट लोग इसे खराब कर देते हैं। क्यों क्या किया? ये देखो यार, यार। like, इतना ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट शनिवार वाला, इतनी प्यारी चीज बनाई है एंड लोगों ने ऐसा कर दिया इसे, मतलब शर्म नहीं आती लोगों को, इतना ब्यूटीफुल चीज़ है। अगर यहाँ से आप लोग व्यू देखोगे एक व्यू है एंड एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे और भी रूम्स है बट दीज आर लॉक्ड। यहाँ पे ये देख रहा हूँ ये सारे लॉक्ड है, वहाँ पे अलाउ नहीं है। ओके यहाँ से नीचे जा सकते हैं, हम लोग नीचे जा रहे हैं अभी। बाप रे कितना बड़ा बड़ा है ये, इधर लिटरली थूक का स्मेल आ रहा है, पान खा के किसी ने थूका हुआ है, क्या अजीब लोग है अच्छी सच्ची में, कुछ भी करते हैं गंदा। आउच खे मैं नीचे आ गई। सब जगह से नीचे देख सकते हैं, अच्छा लगा जगह मस्त है ना। ये देखो आगे आई डोंट नो ये क्या है गाइस, पता नहीं क्या है। यहाँ से भी रास्ता है जाने के लिए देख रहे हो तुम लोग, ये तो पूरा वो आजू बाजू से आप चल सकते हो वैसा वाला रास्ता है ना, महल के आजू बाजू में एक बनता है ना ऐसा, वसई फोर्ट में भी। हाँ वसई फोर्ट में भी तो रहता था यहाँ ये। एक्चुअली गाइज मैं ना एक मतलब सब साथ में बनाने वाली थी वीडियो बट तुम लोग ये जगह देख ही सकते हो, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि मैं किसी और वीडियो में मर्ज नहीं करना चाहती, इसमें मेन फोकस देना चाहती हूँ। सो इसका इसलिए मैंने इसको सेपरेट डाला है। देखो मैं जो बात कर रही थी ना वो ये है, देखो यहाँ पे भी फाउंटेन है, वहाँ पे भी फाउंटेन है, बीच में भी बड़ा फाउंटेन है, देन उस साइड और एक फाउंटेन है, ऐसा मतलब बोलते हैं ना फाउंटेन फाउंटेन था। ओ गाइस हो गया शनिवार वाड़ा देख के एंड इट वाज ब्यूटीफुल मेसमराइजिंग बोलूँगी मैं, क्योंकि बोलते हैं ना वो हिस्टोरिक चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं मतलब मैं बोलूँ ना मैं बचपन में जब स्कूल में पढ़ती थी ना हिस्ट्री, तो मैं सोचती थी कि इन लोग कैसे रहते थे होंगे और कैसा उन लोग महल रहता था होगा, एंड फाइनली ये सब देखना इज़ लाइक बोलते हैं ना एक काइंड ऑफ ऐसा छोटा सा ड्रीम कम ट्रू बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब
उन लोग के ज़माने के हैं और हम लोग ने कभी देखा भी नहीं था, तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये सब अभी भी एग्जिस्ट करता है, कि हम लोग ये देख सकते हैं। गाइज वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, और सो यस वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, और पुणे आते हो तो ये सारी जगह विजिट करना मत भूलना। मैंने जो जो एक के बाद दिखाया ना, तो सब सब देख लेना तुम लोग, बट यहाँ पर तुम लोग अंदर जा सकते हो 40 रुपीज़ पे करके। सो गाइज ये मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। Bye!